प्रेजेंटेशन में जो आंकड़े जो दिखाए गए हैं उस पर हम लोग जो है ज़्यादा विश्वास हम नहीं करते। हमने सुझाव में भी बोला कि अधिकारी कुछ और कह रहे हैं और ज़मीन की जो रियलिटी है वो कुछ और है, हकीकत कुछ और है। इसलिए आप बाहर निकलिए, आप जो बैठक करते रहे हैं और जो फैसला जो भी लिया कि वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, या अधिकारी जो है आपके आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं। क्योंकि हमने कई बार ऐसा वीडियो देखने का काम किया है जिससे हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है और काफ़ी पीड़ा भी हुई है। ऐसे दर्दनाक वीडियोस भी हम लोगों ने देखा है और जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। और हमने एक और निवेदन किया कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे चेक एंड बैलेंस रहेगा। इससे अधिकारी कुछ और कहते हैं लेकिन ग्राउंड की जो हकीकत है वो जनप्रतिनिधि ज़्यादा जानता है। विधायक उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, जवाबदेही है और नैतिक जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कि लोगों के इस दुख में उनका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद पहुंचाई जाए। क्योंकि अधिकारी जो है पूरी बात बताते हैं नहीं बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं खासतौर पर जो विधायक हैं सांसद हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाए, देखभाल में लगाया जाए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमने फेसबुक लाइव करके भी हमने आप लोगों से साझा किया था, एक एमएचए का एक नया गाइडलाइन आया है 3 मई का जो लेटर है जिसमें भल्ला जी के ऑर्डर से निकला है कि जो बिहार के मजदूर हैं जो घर जाना चाहते हैं, जो काम के सिलसिले से बाहर गए थे मजदूरी करने गए थे, उनको वापस नहीं लाना है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये तो अन्याय है, जो बिहार के लोग बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं ये कैसा गाइडलाइन है। इसमें जो है तुरंत किसी भी प्रकार से इस गाइडलाइन को जो है बदलवाया जाए। और आपकी तो बात सुशील मोदी जी कहते हैं कि भाई आपकी बात केंद्र मानता है, क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी सुशील मोदी जी ने कहा था कि जब गाइडलाइन की जब नियमों का हवाला दिया जा रहा था तो गाइडलाइन के बारे में बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद सुझाव देने के बाद केंद्र ने माना है। तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से कि ये गाइडलाइन में भी तब्दीली होगी और जो भी कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी जो भी हमारे भाई फंसे हैं उनके लिए घर वापस आने के लिए मजदूर जो गरीब हैं एक राहत का काम जो है उनके लिए राहत मिलेगी और उनको छूट मिलेगी। इसलिए हमने ये गाइडलाइन का भी हवाला दिया। साथ ही साथ हमने जो मजदूर भाई हैं खासतौर पे जो किराया उनसे वसूला जा रहा है इसमें भी हमने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार जो है अपने तरीके पूरा जो खर्चा जो है राज्य सरकार जो पूरा खर्चा जो है एडवांस में ही रेलवे को बुकिंग कर दे। और लगभग 12,000 ट्रेनें रेलवे के पास हैं पूरे भारत में, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन एडवांस में बुकिंग करके उनको लाने का काम किया जाए। और रेलवे का गाइडलाइन भी हमने उनको दिखाया लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कंफ्यूजन जो है वो साफ तौर पर हर जगह दिख रहा था। तो हमने साफ तौर पर बोला है अगर आप सक्षम नहीं हो तो हमारी पार्टी जो है तन मन धन से जो बल पड़ेगा हम लोगों से जो हो पाएगा हम लोग करेंगे। पहले भी हमने 2000 बसेस की बात की थी या 50 ट्रेनें जो हैं वो देने की बात की थी। तो हम लोगों का सहयोग भी आप ले सकते हैं, अगर कोई कमी या बिहार सरकार इसमें सक्षम नहीं है तो वो करे, सहयोग ले, विपक्ष तैयार है। ये मजदूर भाइयों के लिए और लगभग 12,000 जो है रेलवे स्टेशन 12,000 ट्रेन जो है वो है पूरे भारत में। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक का दो का ट्रेन से कुछ होने वाला है नहीं,
और प्रकाश पर्व में अगर हम लोग पटना में केवल प्रकाश पर्व में अगर केवल पटना में हम लोग अगर 2.5 लाख लोगों का मेहमान नवाजी, जितने श्रद्धालु आए थे उनके लिए अलग से टेंट हाउस, खाने पीने की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अगर हम लोग कर सकते हैं, तो हमारे बिहार के जो गरीब मजदूर जो तकलीफ में है उनको ला करके कोई व्यवस्था हम यहाँ नहीं कर सकते? तो हमने सुझाव दिया है अगर जो प्रकाश पर्व में अगर श्रद्धालुओं के लिए हमने सिर्फ पटना जिले में अगर हमने व्यवस्था कराई 2.5 लाख लोगों का रहने का, खाने का, पीने का, शौचालय का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो क्या हम अपने बिहार के ही लोगों पर बिहार का पैसा खर्च नहीं कर सकते?